नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, में हूं आपके साथ अंकित दुबे। कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पुलिस जी न्यूज के एंकर और पत्रकार रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले स्थित इंदिरापुरम सुबह सुबह पहुंच गई। मुश्किलों में खुद को घिरा देख एंकर ने योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। रोहित के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। उन पर छत्तीसगढ़ में केस भी दर्ज है। रोहित रंजन ने ट्वीट कर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ से मदद मांगी है। एक नाटकीय घटनाक्रम में जी न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन के घर आज सवेरे छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची, लेकिन उनसे पहले ही नोएडा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में भी रोहित के खिलाफ केस दर्ज था। एंकर को हिरासत में लेने के लिए नोएडा और छत्तीसगढ़ पुलिस आपस में भिड़ गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहुल गांधी के एक बयान को गलत तरीके से पेश करने को लेकर एंकर को हिरासत में लिया गया है। हालांकि नोएडा पुलिस का कहना है कि हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। इंदिरापुरम से रोहित रंजन को लेकर पुलिस को सेक्टर 20 थाना पहुंचना था, लेकिन अभी तक आई नहीं है। दरअसल रोहित के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। उन पर छत्तीसगढ़ में केस भी दर्ज है। इससे पहले रोहित रंजन ने ट्वीट कर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ से मदद मांगी थी। इस पर जवाब देते हुए गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि प्रकरण स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है, थाना इंदिरापुरम पुलिस मौके पर है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं रायपुर की पुलिस ने भी रोहित रंजन की ओर से बिना जानकारी के पहुंचने के आरोप पर जवाब दिया और कहा ऐसा कोई नियम ही नहीं है। रायपुर पुलिस ने लिखा ऐसा कोई नियम ही नहीं है, आरोपी को जानकारी दी जाए। अब आपको जानकारी मिल गई है, पुलिस टीम ने आपको कोर्ट का वारंट दिखाया है, अब आपको इस मामले में सहयोग करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए और अपनी बात को अदालत में रखनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस अब रोहित रंजन को लेकर चली गई है। एंकर को गिरफ्तार करने आई छत्तीसगढ़ पुलिस बिना वर्दी में थी। 14 पुलिसकर्मी थे, इनमें से एक डीसीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि एंकर की गिरफ्तारी की कोशिश पत्रकारिता पर हमला है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, ये पत्रकार को डराने की कांग्रेसी प्रवृत्ति है, ये पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल है। एक पत्रकार को ऐसे गिरफ्तार करने कैसे कोई जा सकता है, ये कानून का दुरुपयोग है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन के गिरफ्तारी की कोशिश पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इसे सोनिया को प्रसन्न करने की कोशिश बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में कहा न अपील, न वकील, न दलील। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर निशाना साधा और कहा एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा बिना वर्दी के छत्तीसगढ़ पुलिस का इस तरह का एक्शन पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। फिलहाल दो राज्यों की पुलिस आपस में खेल रही है, तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे।